हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.3 के कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। नाउ लुक हियर, क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे दिया है हमें, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहां पे क्रैमर्स रूल हमें यूज करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सभी इक्वेशंस लीनियर हैं, इसका मतलब इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। अगर इक्वेशन में जो वेरिएबल है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री कहते हैं, इक्वेशन की डिग्री अगर 1 है, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है, तो उस प्रकार के इक्वेशन को कहते हैं हम लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं और हर एक इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड। इन इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। इक्वेशन को सॉल्व करना है मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उन वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, देखिए, जब भी हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है, इसका मतलब हम वहां पे डिटरमिनेंट यूज करेंगे। ठीक है, अगर 3 वेरिएबल है तो हमें ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट मिलेंगे, अगर 2 वेरिएबल है तो ऑर्डर 2 के डिटरमिनेंट मिलेंगे। अब यहां पे हमें ऑर्डर 3 के डिटरमिनेंट लेने हैं, लेकिन देखिए, सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, इक्वेशन हमारे सामने जो रहेंगे, हर एक इक्वेशन में वेरिएबल की सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में होनी चाहिए और कांस्टेंट टर्म राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, उसके बाद ही हम डिटरमिनेंट कंसीडर करेंगे। तो देखिए, वेरिएबल की सभी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में हर एक इक्वेशन में, और राइट हैंड साइड में सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे भी सभी वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में भी सभी वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड में है और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है। देखिए, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन नहीं है तो आपको उस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम डिटरमिनेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब यहाँ पे हम डिटरमिनेंट डी कंसीडर करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये डिटरमिनेंट डी क्या रहेगा हमारे पास, डिटरमिनेंट डी मतलब हर एक इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, वाई का कोएफिशिएंट 1 है, जेड का कोएफिशिएंट भी 1 है। ठीक है, यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है सेकंड इक्वेशन में, y का कोएफिशिएंट -1 है, z का कोएफिशिएंट 1 है। साथ में कोएफिशिएंट नहीं दिख रहे, इसका मतलब कोएफिशिएंट्स 1 है। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 2 है और z का कोएफिशिएंट -1 है। ओके, इस डिटरमिनेंट को हमें सॉल्व करना है, ध्यान दीजिए। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो हम अलॉन्ग फर्स्ट रो सॉल्व करेंगे। यहाँ का फर्स्ट एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो से इसके कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देंगे। अब यहाँ जो एलिमेंट बचे हैं, इन दोनों एलिमेंट के प्रोडक्ट से इन दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमें 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, उसे माइनस करना है तो 1 - 2। फिर यहाँ पर -1, सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लेते हैं, माइनस है तो प्लस लेना है। अब यहाँ पे प्लस है, हमने माइनस लिया है, इसके रो से इसके कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, उसे माइनस करना है -1। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है तो +1 ही लेते हैं, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, उसे माइनस करना है तो ये +1 मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसे एक्सपांड किया है। ओके, अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, 1 × 1 - 2 - 1 - 1 × -1 - 1 - 2 + 1 × 2 + 1 = 3। ओके, 1 × -1 - 1 - 1 × -2 + 2 + 1 × 3 + 3। ठीक है, अब देखिए, -1 + 2 इट विल बी 1 + 3, ये मिलेगा हमें 4। तो डिटरमिनेंट डी का वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, अब डिटरमिनेंट डी से ही हमें नेक्स्ट 3 डिटरमिनेंट कंसीडर करने हैं, dx dy dz। लुक हियर, यहां पे हम डिटरमिनेंट dx कंसीडर करते हैं। अब इसे हमें किस प्रकार से लेना है, डिटर्मिनेंट डी से ही, डिटर्मिनेंट डी सफिक्स एक्स जिसे हम डी एक्स कहेंगे,
इसे लेना है हमें किस प्रकार से, लुक हियर, डिटर्मिनेंट डी में एक्स के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है, एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम फर्स्ट कॉलम है, हमने यहाँ पे डी एक्स लिया है, तो डिटर्मिनेंट डी का एक्स के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है, ये कॉलम हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। डिटर्मिनेंट डी इसमें एक्स के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है उसको हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा, 6 2 2 6 2 2, फिर 1 माइनस 1 2 1 1 माइनस 1, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है, 6 इनटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देते हैं, ओके, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, -1 इनटू -1 प्लस 1, 2 इंटू 1 2, इसको माइनस करना है -2। सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, -1 लिया है हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट -2, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट उसे भी माइनस करना है -2, ओके। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, अब इसके रो और इसके कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट -2 -2 प्लस 2। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 6 इंटू -1 -1 इंटू -4 प्लस 1 इंटू 6, 6 इंटू -1 -6 -1 इंटू -4 प्लस 4, 1 इंटू 6 6, -6 प्लस 4 इट विल बी -2, -2 प्लस 6 ये मिलेगा हमें 4। तो डिटर्मिनेंट डी एक्स का वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हमें डिटर्मिनेंट डी वाई लेना है, वो भी हमें डिटर्मिनेंट डी से ही लेना है। जिस प्रकार से डी एक्स हमने डिटर्मिनेंट डी से लिया है, क्या किया हमने यहाँ पे, डिटर्मिनेंट डी में जो एक्स का कॉलम था उसे रिप्लेस किया कांस्टेंट टर्म से, यहाँ पे भी डी वाई लेते समय डिटर्मिनेंट डी में जो वाई का कॉलम है, वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम है, वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम है 1 माइनस 1 2, मतलब सेकंड कॉलम, इस सेकंड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है। तो देखिए डी वाई क्या मिलेगा हमें, लुक हियर, फर्स्ट कॉलम एज इट इज 1 1 1, ठीक है ना, सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से 6 2 2, ओके, फिर थर्ड कॉलम एज इट इज 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, देखिए ब्लू कलर से लिखता हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट प्रॉब्लम में समझ में आएगा आपको, 6 2 2 लिया हमने, ठीक है ना। अब यहाँ पे डी वाई, ठीक है, इसे हमें फाइंड करना है। नाउ लुक हियर, दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, जब फर्स्ट एलिमेंट लेना है साइन चेंज नहीं करना है, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट -1, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, उसे माइनस करना है -1। सेकंड एलिमेंट लेते समय माइनस लेना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है +1, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं 2 माइनस 2, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू -2 -6 इंटू -2 प्लस 1 इंटू 0, ठीक है। देखिए क्या मिला है हमें, लुक हियर, ध्यान दीजिए हमने क्या किया, देखिए सेकंड एलिमेंट लेते समय, सॉरी डी वाई लेते समय हमने सेकंड कॉलम को रिप्लेस किया है कांस्टेंट टर्म से, ठीक है ना। तो अब इसे लेते समय ध्यान दीजिए, इसे जब लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, रो और कॉलम से, तो इन दोनों का प्रोडक्ट, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई हमारी, इन दोनों का प्रोडक्ट -2 -2 ऐसा लेना है हमें, तो ये -4 होगा, ओके। देखिए इसे जब लेना है तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो -2 -2, इसे लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दे, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस किया है, इसे लिया तब हमने साइन चेंज नहीं किया है, जब भी हमें
फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट लेना है, साइन चेंज नहीं करना है, सेकंड एलिमेंट लेते समय लेकिन हमें साइन चेंज करना है। तो इसको लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, ठीक है। नाउ लुक हियर, 1 इंटू माइनस 4 ये माइनस 4 होगा, माइनस 6 इंटू माइनस 2 इट विल बी प्लस 12, ठीक है, और प्लस यहां पे मिलेगा हमें 1 इंटू 0 0। देयरफोर देखिए डी वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, माइनस 4 प्लस 12 इट विल बी 8, ठीक है। देखिए हमें डी 4 मिला था, द वैल्यू ऑफ डी इज 4, डी का वैल्यू 4 है, डी एक्स का वैल्यू भी 4 है, डी वाई का वैल्यू 8 है। अब इसी प्रकार से हमें डी जेड फाइंड करना है, ये भी हमें डिटर्मिनेंट डी से ही लेना है। किस प्रकार से, ध्यान दीजिए, डिटर्मिनेंट डी में जो जेड के कोएफिशिएंट का कॉलम है, जिसे हम थर्ड कॉलम कहेंगे, इस थर्ड कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, 1 1 1, 1 माइनस 1 2, 6 2 2, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इसे लेते हैं हम माइनस 4। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, उसे माइनस करना है माइनस 2, ठीक है। थर्ड एलिमेंट लेते समय एज इट इज़ लेना है, साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये रहेगा 2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 6 माइनस 1 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 3, ठीक है। 1 इंटू माइनस 6 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 3 18, माइनस 6 प्लस 18 इट विल बी 12। यहाँ पे ये डी जेड का वैल्यू है, हमें डी जेड इक्वल्स टू क्या मिला है, 12, ठीक है। देखिए डी एक्स डी वाई डी जेड और डी, इतने वैल्यू हमने फाइंड किए हैं। अब हमें एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करने हैं, ध्यान दीजिए, बाय क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पे यूज करेंगे हम क्रैमर्स रूल, ठीक है। क्या कहता है क्रैमर्स रूल, एक्स वाई जेड के जो वैल्यूज है, एक्स इक्वल्स टू आप ले सकते हो डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी, एंड जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। नाउ एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, इसका मतलब व्हाट इज डी एक्स, 4 अपॉन 4, वाई इक्वल्स टू 8 अपॉन 4, जेड इक्वल्स टू 12 अपॉन 4। यहाँ पे हमने x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी और z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। देयरफोर x इक्वल्स टू 1 मिलेगा, y इक्वल्स टू 2 एंड z इक्वल्स टू 3, ये रहेंगे एक्स वाई जेड के वैल्यू, ओके। देखिए यहाँ पे आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ तक हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये वेरीफाई का पार्ट हमारे लिए है, हमने जो आंसर फाइंड किया है आंसर सही है नहीं हम चेक कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन का अगर हमने LHS लिया, क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे एक्स वन वाई टू जेड थ्री, तो इसका सम मिलेगा हमें 6, ठीक है। देखिए LHS इक्वल्स टू RHS मिल रहा है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन का अगर हम LHS लेते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड, 1 माइनस 2 प्लस 3, देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 2, सेकंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ओके। फिर इसके बाद थर्ड इक्वेशन का अगर हम LHS लेते हैं, x प्लस 2y माइनस जेड, x का वैल्यू क्या है 1 प्लस 2 इंटू y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 माइनस 3,
वन प्लस फोर फाइव मिलेगा, फाइव माइनस थ्री इट इज टू। यहाँ पे भी हमें एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब x इक्वल्स टू वन, y इक्वल्स टू टू, z इक्वल्स टू थ्री, ये तीनों वैल्यू जो हमें मिले हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन, और हमारा आंसर यहाँ पे सही है, ठीक है। अब इसी प्रकार से हर एक क्वेश्चन जहाँ पे हमें क्रैमर रूल यूज़ करना है और थ्री वेरिएबल में इक्वेशंस दिए हैं, तो वो सभी इक्वेशंस इसी प्रकार से हमें सॉल्व करने हैं। सब क्वेश्चन सेकंड में देखिए, डिटर्मिनेंट डी क्या रहेगा, लुक हियर, डी इक्वल्स टू हमें एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स लेने हैं, ठीक है। एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट्स यहाँ पे रहेंगे वन वन माइनस टू, सेकेंड इक्वेशन में टू वन माइनस थ्री, और थर्ड इक्वेशन में फोर सिक्स टू, सॉरी फोर सिक्स वन, ठीक है ना। फोर सिक्स जेड का कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब कितना है वन। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें छोड़ देने हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, वन प्लस एटीन रहेगा, सिक्स इंटू माइनस थ्री माइनस एटीन, माइनस माइनस प्लस एटीन। सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, फिर से उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, इन दोनों का प्रोडक्ट टू, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ट्वेल्व, माइनस माइनस प्लस ट्वेल्व। थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, ट्वेल्व माइनस फोर। नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन इंटू नाइनटीन माइनस वन इंटू फोर्टीन माइनस टू इंटू टेन, सॉरी टू इंटू इट विल बी एट, ट्वेल्व माइनस फोर एट। नाउ दिस इज इक्वल्स टू नाइनटीन, ओके, माइनस वन इंटू माइनस फोर ये रहेगा माइनस फोर्टीन, माइनस टू इंटू एट माइनस सिक्सटीन, ठीक है। नाइनटीन माइनस फोर्टीन, देखिए नाइनटीन माइनस फोर्टीन इज फाइव, फाइव माइनस सिक्सटीन इट विल बी माइनस एलेवन। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस एलेवन, ओके। अब हमें फाइंड करना है डी एक्स, ध्यान दीजिए, ये डी एक्स हम किस प्रकार से फाइंड करेंगे, डी एक्स इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट डी से जो फर्स्ट कॉलम है, जो एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम है, ये एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, मतलब क्या, माइनस टेन, माइनस नाइनटीन और टू। फिर सेकंड कॉलम है वन वन सिक्स, थर्ड कॉलम है माइनस टू माइनस थ्री वन, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम छोड़ देते हैं, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये वन प्लस एटीन ही मिलेगा, ठीक है। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, इसको हमने माइनस लिया, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ दिए, तो ये माइनस नाइनटीन प्लस सिक्स मिलेगा, माइनस नाइनटीन इसका प्रोडक्ट माइनस सिक्स, उसे माइनस करना है प्लस सिक्स। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हमने छोड़ दिए, तो देखिए ये यहाँ पे लुक हियर, हमने क्या किया है, देखिए हमने क्या किया है, माइनस टू लिया है, तो इसके रो और इसके कॉलम से एलिमेंट हमने छोड़ दिए हैं, अब इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन हंड्रेड एंड फोर्टीन मिलेगा, ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट प्लस टू, मतलब ये माइनस टू मिलेगा, ओके। नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस टेन इंटू वन प्लस एटीन नाइनटीन, माइनस वन इंटू माइनस नाइनटीन प्लस सिक्स माइनस थर्टीन, माइनस टू इंटू माइनस टू, सॉरी वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन, वन हंड्रेड एंड सिक्सटीन, ठीक है। माइनस टेन इंटू नाइनटीन माइनस वन हंड्रेड नाइन्टीन, माइनस वन इंटू माइनस थर्टीन प्लस थर्टीन, माइनस टू इंटू माइनस वन हंड्रेड सिक्सटीन प्लस टू हंड्रेड थर्टी टू, ओके, ये रहेगा टू हंड्रेड थर्टी टू, ठीक है।
अब इसका सम हम देखते हैं, दिस इज इक्वल्स टू माइनस 190 प्लस 232 प्लस 13, इट विल बी 245। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देखिए क्या बचेगा, 245 से 190 हमें माइनस करना है, इसका मतलब ठीक है ना, 245 से 190 माइनस करना है तो क्या रहेगा, 5। 14 में से अगर 9 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी 5 बचेगा, ये 2 हो जाएगा और ये 0, तो यहाँ हमें डी एक्स मिलेगा 55। ठीक है, देखिए d हमारे पास माइनस 11 है और डी एक्स का वैल्यू है 55। लुक हियर, डी एक्स इक्वल्स टू 55। ठीक है, अब इसके बाद हमें डी वाई लेना है, ध्यान दीजिए डी वाई भी हमें डी से ही कंसिडर करना है, ठीक है ना, तो देखिए हम डी वाई लेते हैं, डी वाई इक्वल्स टू क्या करना है, डी में जो सेकेंड कॉलम है जिसे हम वाई के कोएफिशिएंट का कॉलम कहेंगे, इस कॉलम को कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, फर्स्ट कॉलम 124, सेकेंड कॉलम -10, -10, -19 और 2, और थर्ड कॉलम हमारे पास है -2, -3, 1। ठीक है, अब इसे हमें सॉल्व करना है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 1 इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्कीप करने हैं, -19 × 1 -19, 2 × -3 -6, -, +6, सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्कीप करने हैं तो ये 2 + 12 मिलेगा। ओके, नाउ -2 × (inside the bracket) इसके रो दोनों का प्रोडक्ट, ये 4 मिलेगा हमें, ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट ये -76 + 76। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या मिलेगा, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 (inside the bracket) -19 + 6, इट विल बी -13 + 10 × 14 -2 × 80। ठीक है ना, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × -13 - 13, 10 × 14 = 140, 2 × 80 - 160। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू -13, 140 - 160, इट विल बी -20, -13 - 20, देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू रहेगा -33। ठीक है, ये डी वाई का वैल्यू -33। अब इसी प्रकार से हमें डी जेड फाइंड करना है, ध्यान दीजिए डी जेड इक्वल्स टू क्या रहेगा, नाउ डी जेड इक्वल्स टू क्या लेना है हमें, देखिए डिटर्मिनेंट डी में जो थर्ड कॉलम है, मतलब जेड के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है, उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से, तो ये 124 124 116। ठीक है, अब ये जो कॉलम है थर्ड कॉलम, इसे हमें कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, -10 - 19 और यहाँ पे 2। ठीक है, इस तरह से हमने इसे रिप्लेस किया है। ओके, अब देखिए इसे हमें एक्सपांड करना है, तो 1 (inside the bracket) 1 × 2 = 2, 6 × -19 - 114 - -+114। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमने अगर छोड़ दिया तो 4 + 76 मिलेगा। ओके, फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय एज इट इज लेना है, साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 12 और इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इसे माइनस करना है, 12 - 4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × 116 - 1 × 80 - 10 × 8, तो ये रहेगा 116 - 80 - 18। ओके, 116, इट विल बी 116 - 160 - 80 - 80 - 160, तो क्या करना है हमें, 160 से 116 माइनस करना है, 10 - 6 = 4, यहाँ पे 2 बनेगा,
6 माइनस 2 4 और यहाँ 0 44, लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ आंसर मिलेगा माइनस 44। दिस इज द वैल्यू ऑफ डी जेड, ये डी जेड का वैल्यू है माइनस 44। ठीक है, देखिए अब हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी, डिटर्मिनेंट डी एक्स, डिटर्मिनेंट डी वाई और डिटर्मिनेंट डी जेड, फोर डिटर्मिनेंट के वैल्यूज यहाँ पे मिले हैं। ओके, अब हम यूज करते हैं क्रैमर्स रूल, ध्यान दीजिए। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल, अगर क्रैमर्स रूल हम यूज करते हैं तो यक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, y इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एंड z इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी लेना है। ठीक है, नाउ देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर x इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, व्हाट इज डी एक्स, 55 अपॉन माइनस 11, y इक्वल्स टू डी वाई माइनस 33 अपॉन माइनस 11, डी जेड माइनस 44 अपॉन माइनस 11। देयरफॉर ध्यान दीजिए, एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, ओके 55 अपॉन माइनस 11 माइनस 5, माइनस 33 अपॉन माइनस 11 3, माइनस 44 अपॉन माइनस 11 4, एक्स इक्वल्स टू माइनस 5, वाई इक्वल्स टू 3 और जेड इक्वल्स टू 4 मिला है। ओके, अब इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही है या नहीं। ठीक है, किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, ध्यान दीजिए। हम फर्स्ट इक्वेशन का LHS लेते हैं, क्या LHS x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल्स टू, देखिए ध्यान दीजिए हमारा सॉल्यूशन यही तक है, सिर्फ ये सॉल्यूशन सही है नहीं हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू हमने सपोज माइनस 5 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू प्लस 3, नाउ 2 इंटू जेड का वैल्यू 4 मतलब माइनस 8, माइनस 5 प्लस 3 इट विल बी माइनस 2, माइनस 2 माइनस 8 माइनस 10, फर्स्ट इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन का LHS लेते हैं, क्या है 2x प्लस वाई माइनस 3z, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 5 सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस 10, y का वैल्यू 3 और z का वैल्यू 4, 3 इंटू 4 माइनस 12 बनेगा। ओके, माइनस 10 प्लस 3, देखिए माइनस 10 प्लस 3 माइनस 7, माइनस 7 माइनस 12 इट विल बी माइनस 19, सेकेंड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब थर्ड इक्वेशन 4x प्लस 6y प्लस z इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए 4 इंटू माइनस 5 इट विल बी माइनस 20। ठीक है, x का वैल्यू हमने माइनस 5 सब्स्टिट्यूट किया, y का वैल्यू अगर 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो प्लस 18 बनेगा, 6 इंटू 3 18 और z का वैल्यू 4, माइनस 20 प्लस 18 इट विल बी माइनस 2, माइनस 2 प्लस 4 प्लस 2, हमारा थर्ड इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब देखिए एक्स वाई जेड के जो तीनों वैल्यू हमने फाइंड किए थे, एक्स वाई जेड ऐसे थ्री वैल्यूज, दिस थ्री वैल्यूज सेटिस्फाई थ्री इक्वेशंस, हमारा यहाँ का जो सोल्यूशन है एक्स वाई जेड के जो वैल्यू है सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में x प्लस जेड इक्वल्स टू 1, y प्लस जेड इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ऐसा दिया है, मतलब यहाँ पे वेरिएबल 3 है x y z, लेकिन हर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल एब्सेंट है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में y एब्सेंट है तो इसे हम ले सकते हैं x प्लस 0y प्लस z इक्वल्स टू 1, सेकेंड इक्वेशन में हम कंसिडर कर सकते हैं 0x प्लस y प्लस z इक्वल्स टू 1 और थर्ड इक्वेशन x प्लस y प्लस 0z इक्वल्स टू 4। ठीक है, हर एक इक्वेशन में एक वेरिएबल एब्सेंट है। अब हम डिटर्मिनेंट डी कंसिडर करेंगे, देखिए x का कोएफिशिएंट 1, y का 0 और z का 1 है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 0, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 है, थर्ड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 1, y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 0। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, बहुत ही सिंपल है, 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 1। ठीक है, सेकंड एलिमेंट लेते समय वैसे तो हमें साइन चेंज करना पड़ता है, लेकिन जीरो के लिए तो कोई साइन मायने नहीं रखता है, चाहे प्लस हो या फिर माइनस हो,
अब इसके और इसके रो से इसके कॉलम से अगर एलिमेंट छोड़ दिया तो ये 0 माइनस 1 मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा उसे अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो हमें 0 ही रिजल्ट देने वाला है, ठीक है। नाउ प्लस 1 इनटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 0 माइनस 1। तो ये 1 इंटू माइनस 1 माइनस 0 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो क्या मिलेगा, माइनस 1 माइनस 0 प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, ऐसे ही मिलेगा। तो ये रहेगा हमारे पास माइनस 2, किसका वैल्यू, इट इज़ द वैल्यू ऑफ डी, डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू माइनस 2 है, ओके। अब इसी प्रकार से हमें डी एक्स फाइंड करना है, ध्यान दीजिए, ये जो डी एक्स है, डी एक्स लेते समय हमें डिटर्मिनेंट डी का जो फर्स्ट कॉलम है उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से, मतलब किससे, 114 से, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम 011, थर्ड कॉलम 110। अब इसे हमें सॉल्व करना है। नाउ 1 इंटू इन साइड द ब्रैकेट 0 माइनस 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, वैसे ये तो रिजल्ट हमें 0 ही देने वाला है, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 4, प्लस 1 इंटू इन साइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ दिए हमने तो यहाँ मिलेगा 1 माइनस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 4। नाउ इट विल बी 1 इंटू माइनस 1 माइनस 0 इंटू माइनस 4 प्लस 1 इंटू माइनस 3, मतलब ये रहेगा माइनस 1 प्लस 0 फिर माइनस 3, तो यहाँ आंसर मिलेगा हमें माइनस 4, ठीक है। डिटर्मिनेंट डी एक्स का वैल्यू यहाँ लिखता हूँ मैं, डी एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहाँ पे लिखता हूँ, डी एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, ओके। डिटर्मिनेंट डी हमारे पास है, डी एक्स है, अब हमें डी वाई और डी जेड फाइंड करना है, ठीक है। देखिए डी वाई क्या रहेगा, ध्यान दीजिए, डी वाई इक्वल्स टू क्या करना है, सेकंड कॉलम मतलब y के कोएफिशिएंट का कॉलम रिप्लेस करना है। अब फर्स्ट कॉलम 101, सेकंड कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है 114, y का कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया है, फिर यहाँ पे 110, ओके। नाउ डी वाई इक्वल्स टू 1 इंटू इन साइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, तो ये माइनस 4, माइनस करना है। सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है हमें, माइनस 1 लिया हमने, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर छोड़ते हैं तो ये 0 और ये माइनस 1। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो ये 0 माइनस 1 रहेगा। एंड देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू 1 इंटू माइनस 4 माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1। नाउ देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1 और माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1, प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 1 कैंसिल होगा, तो डी वाई का वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, माइनस 4, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी वाई। अब इसी प्रकार से हमें डी जेड का वैल्यू फाइंड करना है, ओके। नाउ डी जेड देखिए, डी जेड क्या रहेगा, डी जेड इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट, देखिए डिटर्मिनेंट डी में जो जेड का कॉलम है उसे रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से। नाउ 101, 011, 114, ठीक है, कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया। नाउ डी जेड इक्वल्स टू 1 इंटू इन साइड द ब्रैकेट, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 4 माइनस 1। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, वैसे अगर देखिए यहाँ पे हमें रिजल्ट यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ भी मिला तो उसका 0 के साथ प्रोडक्ट 0 ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, तो 0 माइनस 1, ठीक है। नाउ देयरफॉर डी जेड इक्वल्स टू क्या रहेगा, डी जेड इक्वल्स टू देखिए 4 माइनस 1 इट विल बी 3, 1 इंटू 3 सेकेंड एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, प्लस 1 इंटू माइनस 1, 1 इंटू माइनस 1, देयरफॉर डी जेड इक्वल्स टू 3 माइनस 1 एंड देयरफॉर डी जेड इक्वल्स टू 2, ठीक है।
अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट डी, डी एक्स, डी वाई और डी जेड तीनों के भी वैल्यू हमारे पास हैं। नाउ बाय क्रैमर्स रूल, बाय क्रैमर्स रूल अगर यहाँ पे हम क्रैमर्स रूल यूज़ करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, एक्स इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी, वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एंड जेड इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी। ठीक है, इसमें हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं। एक्स इक्वल्स टू व्हाट इज डी एक्स, डी एक्स का वैल्यू हमारे पास है माइनस फोर, माइनस फोर अपॉन माइनस टू। सिमिलरली डी वाई का वैल्यू भी माइनस फोर है, माइनस फोर अपॉन माइनस टू। डी जेड का वैल्यू कितना है, डी जेड का वैल्यू टू अपॉन माइनस टू। देयरफोर एक्स इक्वल्स टू टू, वाई इक्वल्स टू टू एंड जेड इक्वल्स टू माइनस वन। ऐसे ही मिलेगा, देखिए माइनस फोर अपॉन माइनस टू टू, माइनस फोर अपॉन माइनस टू टू, ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, फोर अपॉन टू टू, सिमिलरली टू टू कैंसिल, तो यहाँ पे माइनस वन बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, हमारा आंसर सही है या नहीं चेक कर सकते हम। किस प्रकार से वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का एल एच एस देखिए क्या है, एक्स प्लस जेड। ठीक है, इसमें x का वैल्यू 2 और z का वैल्यू माइनस वन, तो आंसर हमें 1 मिलेगा, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई होता है। सेकेंड इक्वेशन का एल एच एस क्या है, y प्लस जेड, तो ये 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 ही मिलेगा। ठीक है, थर्ड इक्वेशन का एल एच एस क्या है, x प्लस वाई, तो यहाँ पे 2 माइनस 1, ये भी 2 प्लस 2, y का वैल्यू 2 है, 2 प्लस 2, तो ये मिलेगा हमें 4। तीनों भी इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसका मतलब हमारे जो वैल्यूज है एक्स इक्वल्स टू टू, वाई इक्वल्स टू टू और जेड इक्वल्स टू माइनस वन, ये वैल्यूज सही है। ठीक है, सब क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अलग टाइप का हमें दिया है। देखिए माइनस टू अपॉन एक्स, माइनस वन अपॉन वाई, माइनस थ्री अपॉन जेड, मतलब वेरिएबल यहाँ पे डिनोमिनेटर में दिए गए हैं, 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन जेड, ये सभी जो वेरिएबल्स है ये सभी वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखिए हर एक इक्वेशन में पुट करते हैं, यहाँ का जो 1 अपॉन एक्स है इसके इक्वल टू हम a पुट करेंगे, 1 अपॉन वाई इक्वल टू बी और 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू सी। इस प्रकार से अगर सब्शन लेते हैं तो क्या मिलेगा, फिर माइनस टू ए माइनस बी माइनस थ्री सी इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, फिर यहाँ पे टू ए माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस थर्टीन, फिर यहाँ टू ए माइनस थ्री सी इक्वल्स टू माइनस एलेवन। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, 1 अपॉन एक्स का वैल्यू ए अगर सब्स्टिट्यूट किया तो यहाँ पे माइनस टू ए, फिर माइनस बी माइनस थ्री सी इक्वल्स टू थ्री मिलेगा, 2a माइनस थ्री बी प्लस सी इक्वल्स टू माइनस थर्टीन मिलेगा, ध्यान दीजिए 2a माइनस थ्री सी इक्वल्स टू माइनस एलेवन। ठीक है, अब हम ए बी सी में इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और फिर बाद में एक्स वाई जेड के वैल्यू फाइंड करेंगे। अब डिटर्मिनेंट डी का वैल्यू देखिए क्या रहेगा, ए बी सी के कोएफिशिएंट्स माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री टू माइनस थ्री वन, ए बी सी के कोएफिशिएंट्स, यहाँ पे ए का कोएफिशिएंट टू, बी अब्सेंट है तो जीरो और सी का कोएफिशिएंट माइनस थ्री। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन, जीरो इंटू माइनस वन जीरो। ओके, सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस सिक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस टू। ठीक है, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, मतलब यहाँ पे माइनस थ्री ही रहेगा, इसके रो और कॉलम से अगर एलिमेंट हम छोड़ देते हैं तो जीरो माइनस माइनस प्लस सिक्स होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। नाउ इट विल बी माइनस टू इंटू नाइन माइनस जीरो नाइन, प्लस वन इंटू माइनस सिक्स माइनस टू माइनस एट, माइनस थ्री इंटू जीरो प्लस सिक्स सिक्स, तो ये रहेगा माइनस एटीन माइनस एट और माइनस एटीन। ठीक है ना, माइनस टू इंटू नाइन माइनस एटीन,
वन इंटू माइनस एट माइनस एट, माइनस थ्री इंटू सिक्स माइनस एटीन, माइनस एटीन माइनस एटीन माइनस थर्टी सिक्स, माइनस थर्टी सिक्स माइनस एट माइनस फोर्टी फोर, डी इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू है माइनस फोर्टी फोर। ठीक है, ये डी का वैल्यू। ओके, अब हमें डी एक्स लेना है, ध्यान दीजिए। ठीक है, हम कंसिडर करेंगे अब डी एक्स। डी एक्स किस प्रकार से लेना है हमें? डी एक्स क्या करना है, फर्स्ट जो कॉलम है मतलब एक्स के कोएफिशिएंट का कॉलम कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, थ्री माइनस थर्टीन माइनस एलेवन, थ्री माइनस थर्टीन माइनस एलेवन। फर्स्ट कॉलम हमने कांस्टेंट टर्म से रिप्लेस किया है, बाकी सेकंड कॉलम तो हमें एज इट इज लेना है और थर्ड कॉलम भी एज इट इज लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक हियर, थ्री इंटू इनसाइड द ब्रैकेट माइनस थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस नाइन, जीरो इंटू माइनस वन माइनस जीरो। सेकेंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, माइनस वन का प्लस वन लेना है। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हम छोड़ देते हैं तो माइनस थर्टीन इंटू माइनस थ्री इट विल बी थर्टी नाइन, प्लस थर्टी नाइन, माइनस एलेवन इंटू वन माइनस एलेवन माइनस माइनस प्लस एलेवन। ओके, थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, माइनस थ्री है, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमने छोड़ दे, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस एलेवन इंटू माइनस थ्री प्लस थर्टी थ्री, उसे माइनस करना है तो ये माइनस थर्टी थ्री। ठीक है, नाउ इट विल बी थ्री इंटू नाइन प्लस वन इंटू कितना मिलेगा, फिफ्टी। ओके, और माइनस थ्री इंटू माइनस थर्टी थ्री इट विल बी ट्वेंटी सेवन, वन इंटू फिफ्टी फिफ्टी, माइनस थ्री इंटू माइनस थर्टी थ्री प्लस नाइन्टी नाइन। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब ये ट्वेंटी सेवन प्लस फिफ्टी इट विल बी सेवेंटी सेवन, सेवेंटी सेवन प्लस हमें नाइन्टी नाइन लेना है, क्या मिलेगा, सेवन प्लस नाइन सिक्सटीन, वन रहेगा यहाँ पे टेन होगा, टेन प्लस सेवन सेवनटीन, तो ये आंसर मिलेगा हमें 176, किसका वैल्यू, डी एक्स। ओके, डी एक्स इक्वल्स टू 176 मिला है। ओके, ध्यान दीजिए, अब इसी प्रकार से हमें डी वाई और डी जेड फाइंड करना है। ठीक है ना, अब यहाँ का डी वाई देखिए क्या रहेगा, डी वाई इक्वल्स टू फर्स्ट कॉलम एज इट इज माइनस टू टू टू, सेकंड कॉलम रिप्लेस करना है कांस्टेंट टर्म से, क्या है कांस्टेंट टर्म, थ्री माइनस थर्टीन माइनस एलेवन, और थर्ड कॉलम माइनस थ्री वन माइनस थ्री। ठीक है, अब इस dy को हमें सॉल्व करना है, dy इक्वल्स टू माइनस टू इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, ध्यान दीजिए इन दोनों का प्रोडक्ट 39 माइनस थ्री इंटू माइनस थर्टीन प्लस 39, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस एलेवन माइनस माइनस प्लस एलेवन। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, माइनस थ्री, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हमने स्कीप किए तो माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस थ्री इंटू, इसके रो और कॉलम से अगर एलिमेंट हम स्कीप करते हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 22 और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस 26 मतलब प्लस 26, उसको माइनस करना है, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, नाउ देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, देखिए माइनस टू इंटू 39 प्लस 11 50, माइनस थ्री इंटू माइनस एट माइनस सिक्स माइनस टू, माइनस थ्री इंटू माइनस 22 प्लस 26 इट विल बी 4, एंड देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू माइनस 100 प्लस 24 माइनस 12, देयरफॉर डी वाई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देखिए माइनस 100 प्लस 20 या फिर 24 माइनस 12 ये रहेगा प्लस 12, माइनस 100 प्लस 12 माइनस 88। डी वाई का वैल्यू कितना रहेगा, माइनस 88। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं डी जेड। नाउ डी जेड इक्वल्स टू, देखिए क्या करना है हमें, डी का कॉलम डी में जो जेड के कोई मतलब सी के कोएफिशिएंट का कॉलम, सॉरी यहाँ पे हमें हर जगह देखिए यहाँ पे हमें डी ए लेना है,
यहाँ पे डी सफिक्स बी रहेगा क्योंकि हमें वैल्यू ए बी सी में हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है ना, डी सफिक्स बी, ओके, और यहाँ पे डी सफिक्स सी रहेगा, ठीक है, ये क्लियर करना है। देखिए क्योंकि हम ए बी सी में जो है ए बी सी के इक्वेशन हम कंसिडर कर रहे हैं, तो फिर हमने डी ए कैसा लिया, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम था ए के कोएफिशिएंट का जो कॉलम था उसको हमने कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस किया, डी बी हमने कैसा लिया, बी के कोएफिशिएंट का कॉलम हमने कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस किया डिटर्मिनेंट डी का। अब डी सी हमें लेना है, ठीक है, सॉरी, देखिए ये रेगुलर हम एक्स वाई जेड में सॉल्व करते आ रहे हैं तो ये ऐसा ये आपसे भी गलती हो सकती है। हमने इक्वेशन ए बी सी में लिए हैं तो यहाँ पे हमें डी ए लेना है, डी बी लेना है और डी सी लेना है, फिर बाद में एक्स वाई जेड के वैल्यू हमें फाइंड करने हैं। तो डी सी देखिए क्या लेना है हमें, यहाँ का जो फर्स्ट कॉलम है एज इट इज़ माइनस टू टू टू, ओके, फिर सेकेंड कॉलम माइनस वन माइनस थ्री जीरो, लेकिन थर्ड कॉलम जो है मतलब सी के कोएफिशिएंट का जो कॉलम है उसे हमें कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, तो ये रहेगा थ्री माइनस थर्टीन माइनस एलेवन, थ्री माइनस थर्टीन माइनस एलेवन, ठीक है, नाउ दिस इज डी सी, ओके, अब इसे सॉल्व करना है, दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट थर्टी थ्री माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो, सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है माइनस वन का प्लस वन लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी टू, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस ट्वेंटी सिक्स, उसे प्लस करना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस होगा प्लस ट्वेंटी सिक्स, फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है प्लस थ्री, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमने छोड़ दिए तो इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस सिक्स मतलब प्लस सिक्स, ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू माइनस टू इंटू थर्टी थ्री प्लस वन इंटू फोर प्लस थ्री इंटू सिक्स, मतलब ये माइनस सिक्सटी सिक्स प्लस फोर प्लस एटीन, ओके, प्लस फोर प्लस एटीन प्लस ट्वेंटी टू, माइनस सिक्सटी सिक्स प्लस ट्वेंटी टू इट विल बी माइनस फोर्टी फोर, ये वैल्यू है डी सफिक्स सी का, डी सी, डी सी का वैल्यू माइनस फोर्टी फोर, ओके। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें एक्स वाई जेड के वैल्यूज फाइंड करने, ए बी सी के पहले वैल्यू फाइंड करेंगे फिर बाद में एक्स वाई जेड के, बाय क्रैमर्स रूल, ध्यान दीजिए बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है, यहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल यूज करना है, ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी, बी इक्वल्स टू डी सफिक्स बी अपॉन डी, सी इक्वल्स टू डी सफिक्स सी अपॉन डी, नाउ देयरफॉर ए इक्वल्स टू, ए इक्वल्स टू डी ए अपॉन डी, यहाँ पे क्या रहेगा डी ए, डी ए अपॉन डी 176 अपॉन माइनस 44, बी इक्वल्स टू डी बी अपॉन डी माइनस 88 अपॉन माइनस 44, सी इक्वल्स टू माइनस 44 अपॉन माइनस 44, ठीक है, तो ए का वैल्यू रहेगा 176 अपॉन माइनस 44, देखिए 44 इंटू फोर अगर लेते हैं तो हम 176 मिलेगा, इसका मतलब ए इक्वल्स टू माइनस फोर, बी इक्वल्स टू प्लस टू और सी इक्वल्स टू कितना प्लस वन, ठीक है, ए का वैल्यू माइनस फोर, बी का वैल्यू टू और सी का वैल्यू वन, देखते इसे ये सेटिस्फाई करता है क्या, यहाँ पे थोड़ा इजी रहेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से यहाँ इजी जाएगा, तो देखिए ए का वैल्यू अगर हम यहाँ पे माइनस फोर रखते हैं, ध्यान दीजिए यहीं पे हम चेक करते हैं, तो ये माइनस टू इंटू माइनस फोर प्लस एट मिलेगा, बी का वैल्यू माइनस टू सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है, और सी का वैल्यू वन, तो ये माइनस थ्री, एट माइनस टू माइनस थ्री मतलब यहाँ पे थ्री आंसर मिलेगा हमें, उसी प्रकार से आप हर एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ए बी सी का वैल्यू मिला है, लेकिन बट ध्यान दीजिए हमने क्या किया है, देखिए हमने वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू ए लिया है, वन अपॉन वाई इक्वल्स टू बी है
और 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू सी है, ठीक है ना। देयरफोर लुक हियर, देयरफोर 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 4, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 एंड 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1। देयरफोर इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस 4 अपॉन 1, 1 अपॉन वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन 1, 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। और इसका अगर हमने रेसिप्रोकल लिया, टेकिंग रेसिप्रोकल या फिर इन्वर्टेंडो भी अगर हम यूज़ करते हैं, तो 1 अपॉन एक्स का रेसिप्रोकल एक्स रहेगा, माइनस 4 अपॉन 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन वाई का रेसिप्रोकल मतलब इन्वर्टेंडो से ये y बनेगा, 2 अपॉन 1 को हम 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, 1 अपॉन z को अगर z लिखा 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1 ही रहेगा मतलब 1। तो इस प्रकार से x इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 4, y इक्वल्स टू 1 बाय 2 और z इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे हमें क्रैमर्स रूल यूज करके दिए हुए इक्वेशन को सॉल्व करना था, इसका मतलब उन इक्वेशन में जो वेरिएबल्स है उन वेरिएबल्स के वैल्यू हमें फाइंड करने थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें टोटल 4 सब क्वेश्चंस दिए थे, उनको उनके सॉल्यूशंस हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखे हैं। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी आपको डाउट है प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए। साथ में वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ जो अभी क्लास 11th में पढ़ते हैं उन सभी के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र क्लास 9, 10, 11, 12 इनमें से किसी भी क्लास में अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।